हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ओली ज्वेल में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आंध्रा और बड़ौदा के बीच में होने वाले मैच के, वो साथ ही बनाएंगे ड्रीम इलेवन प्ले टीम। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे दोनों ही टीमों की जो प्लेइंग इलेवन हो सकती है उसकी, और साथ ही बात करेंगे कुछ रिकॉर्ड्स, कौन सा प्लेयर कैसी फॉर्म में और टीम परफॉर्मेंस कैसी है, और कौन सी टीम ने अभी तक कितने मैच जीते हैं, और साथ ही बात करेंगे दोस्तों जो भी इंपॉर्टेंस न्यूज होगी उसकी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, मैं आपको बताऊँ अपना ओपिनियन कि कल कौन सी टीम मैच जीत सकती है। तो मेरी फेवरेट कल बड़ौदा रहेगी, क्योंकि दोस्तों इसमें हर डिपार्टमेंट में अच्छे प्लेयर हैं। अगर बात करें ओपनिंग में भी अच्छे प्लेयर हैं, फिर मिडल ऑर्डर में भी ऐसे प्लेयर जो तेज़ी से रन बना सकते हैं, फिनिशर्स भी काफ़ी अच्छे हैं इनके पास, और बॉलिंग में तो दोस्तों एक ना एक बॉलर इनका हर मैच में कोई ना कोई नया बॉलर चल रहा है। तो इसलिए मेरी फेवरेट कल बड़ौदा रहने वाली है। अगर कुछ सब कुछ ठीक रहा तो कल बड़ौदा ही मैच जीतेगी। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हम अपनी न्यूज पे। तो दोस्तों, जैसा कि हम हर मैच में बात करते हैं यहाँ पे वेदर रिपोर्ट की, तो दोस्तों कल यहाँ पे धूप निकली रहेगी और जो टेम्परेचर है वो भी 24 से 30 के बीच में रहने वाला है। तो काफ़ी ठीक ठाक मौसम है, और जो ह्यूमिडिटी रहेगी वो भी 50% के आसपास रहेगी। फिर बात करें दोस्तों यहाँ पे पिच रिपोर्ट की, तो यहाँ पे दोस्तों अभी तक 5 मैच खेले गए हैं, और 5 में से 3 मैच चेसिंग टीम ने जीते, और 2 मैच जो हैं वो पहले बैटिंग करने वाली टीम ने जीते। मतलब अगर यहाँ पे जो भी टीम टॉस जीतती है वो पहले बॉलिंग करना ज़्यादा पसंद करती है। अगर बात करें जाए यहाँ पे जो खेले गए लास्ट के 5 मैच इस सीज़न में, तो उनका एवरेज जो है 169 के आसपास आएगा, तो काफ़ी अच्छा है। यानी कि एक बैटिंग फ्रेंडली पिच आपको देखने को मिल सकती है, अगर चाहे बड़ौदा पहले बैटिंग करे या फिर चाहे आंध्रा, दोनों के पास अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छे प्लेयर बड़ौदा के पास है। अगर पहले बड़ौदा की टीम बैटिंग करती है तो आपको ईजिली 180-190 के आसपास का टारगेट भी देखने को मिल सकता है। अब बात करें दोस्तों यहाँ पे आंध्रा की, तो हनुमा विहारी नहीं है, हनुमा विहारी ने टीम इंडिया की इंडिया टीम को ज्वाइन कर लिया, तो वो नहीं खेलेंगे। फिर बात करें इनकी प्लेइंग 11, तो यहाँ पे अश्विन है, क्रांति कुमार, प्रशांत कुमार, गिरिनाथ, रेड्डी, मनीष, विकी, भुई, शिखर, भारत, स्टीफन, नरेन, रेड्डी, अयप्पा और शशिकांत, तो ये इनकी प्लेइंग 11 है। अब दोस्तों बात करें इनकी परफॉर्मेंस की, क्योंकि परफॉर्मेंस काफ़ी इंपॉर्टेंस है। तो आप देख सकते हो अश्विन हैनुमा ने दोनों ही मैच में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, क्रांति कुमार ने एक मैच खेला था और एक रन पे ही आउट हो गए थे। तो ग्रैंड लीग के लिए आपकी अच्छी चॉइस है, क्योंकि इन्होंने लास्ट मैच में ओपनिंग की थी। फिर प्रशांत कुमार की बात करें तो इन्होंने काफ़ी अच्छी बैटिंग की थी और 79 रन बनाए थे। गिरिनाथ, रेड्डी दोस्तों अभी तक दोनों ही मैचों में कुछ नहीं कर पाए। फिर मनीष ने एक मैच खेला था, इनकी बैटिंग नहीं आई लेकिन बॉलिंग में भी कुछ खास नहीं कर पाए। फिर विक्की भुई 21 रन, श्रीकर भारत 5 रन पे, स्टीफन दोस्तों विकेट निकाले हुए, एक या दो विकेट निकाले, अभी तक टोटल 3 विकेट ले चुके हैं। नरेन रेड्डी ने दो दो विकेट लिए दोनों ही मैचों में और 4 विकेट ले रखे। अयप्पा को एक विकेट मिला दोनों मैचों में, और केवी शशिकांत को 4 विकेट। तो दोस्तों ये होगी इनकी परफॉर्मेंस। अब बात करें दोस्तों आंध्रा की, तो उन्होंने एक मैच जीता और एक मैच हारी है। फिर बात करें यहाँ पे बड़ौदा की, तो ये इनका स्क्वाड है, आप देख लेना। अब बात करें इनकी जो टीम न्यूज है, तो कुणाल पांड्या कल का मैच खेल सकते हैं, ज़्यादा चांस से खेले। फिर बात करें इनकी प्लेइंग 11, तो इसमें केदार हैं, आदित्य हैं, दीपक हुड्डा, सनपल्ली सिंह, यूसुफ पठान, रतवा, विष्णु सोलंकी, कुणाल पांडे, अतिथ सेठ, विशी आवट और लुकमल मरीवाला, तो ये इनकी प्लेइंग 11 है। दोस्तों आप किस बेसिस पर, मैं कह रहा था कि इनको ये मैच जीतने चाहिए आज कल का मैच, आप देख सकते हो बैटिंग में केदार काफ़ी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, 12 रन बनाए थे। आदित्य अभी तक बड़ी पारी कोई निकली नहीं इनके बैट से, दीपक हुड्डा अच्छी लय में, यहाँ पे सनपल्ली सिंह बैटिंग और बॉलिंग दोनों से अच्छा कर रहे, 4 विकेट ले चुके, और आप देख सकते हो तीनों मैच में इन्होंने 50, 36 और 47, तो काफ़ी अच्छी चॉइस है कैप्टन के लिए आपके पास। फिर उसके बाद यूसुफ पठान, फिर उसके बाद रथवाएँ, विष्णु सोलंकी, लेकिन काफ़ी दोस्त नीचे बैटिंग करने के लिए आते हैं। फिर उसके बाद कुणाल पांड्या, उसके बाद अतिथ सेठ, दोस्तों बॉलिंग में अच्छा कर रहे हैं, हालांकि लास्ट मैच में विकेट नहीं मिला लेकिन 5 विकेट अभी तक ले चुके हैं। विशी आउट ने भी 5 में विकेट लिए 3 मैचों में। यहाँ पर लुकमल ने दोस्तों 3 मैचों में 8 विकेट ले चुके हैं और टीम के लीडिंग विकेट टेकर हैं, तो काफ़ी अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कल का मैच बड़ौदा को ही जीतना चाहिए। अब बात करें दोस्तों टॉप पिक्स की, तो
तो दोस्तों यहाँ पे टॉप पिक्स की बात करें तो ये आपकी पूरी एक स्मॉल लीग की टीम बन सकती है। आप चाहे तो इस टीम के साथ एक स्मॉल लीग भी ज्वाइन कर सकते हो और कोशिश करो तो एक ग्रैंड लीग भी खेल ही लो। हालांकि एक से दो प्लेयर जैसे यूसुफ पठान, विष्णु सोलंकी और आदित्य वाघमोड़, इन तीनों प्लेयरों की जगह पे कोई ऐसे तीन प्लेयर ले जिनको कम से कम लोगों ने लिया हो और उनके खेले और वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स दे सके। ऐसे तीन प्लेयर को लेके आप कोई भी एक ग्रैंड लीग की टीम ज्वाइन कर लेना। फिर बात करें यहाँ पे दोस्तों कैप्टन की, तो यहाँ पे केदार हैं, अश्विन है, लुकमल है, दीपक हुड्डा, सोनपल्ली सिंह और के वी सीत श्रीकांत, तो ये काफ़ी अच्छे ऑप्शन है आपके पास कैप्टन के लिए। अब चलते हैं हम अपनी ड्रीम इलेवन टीम पे। दोस्तों पहले बात करें विकेट कीपिंग में, तो मैंने यहाँ पे केदार देवधर को बना ले रखा है। आपके पास कोना से के बाद भी अच्छे ऑप्शन है, लेकिन ये थ्री डाउन या फोर डाउन बैटिंग के लाएंगे तो शायद उतने इफेक्टिव साबित ना हो। फिर बात करें यहाँ पे बैट्समैन में, तो मैंने तीन बैट्समैन लिए, विक्की भोई, अश्विन हेबर और आदित्य वाघ मोड़े। तो मेरे तीन प्लेयर हैं, आप प्रशांत को ले सकते हो जिन्होंने लास्ट मैच में 79 रन की पारी खेली थी। हालांकि मैं इनको ड्रॉप करा, वो मेरे विजन से मैं क्यों कर रहा हूँ वो मेरी एक थिंकिंग है, अगर मेरी थिंकिंग सही होती है तो ये कल के मैच में नहीं चलेंगे। फिर उसके बाद आप यूसुफ पठान को भी ले सकते हो, विष्णु सोलंकी, ये तीन काफ़ी अच्छे ऑप्शन है आपके पास। फिर बॉलिंग सॉरी ऑलराउंडर्स में बात की जाती है, दीपक हुड्डा, नरेन रेड्डी, मैंने क्रांति कुमार को लेकर, आप चाहते हैं यहाँ पे क्रांति कुमार को ड्रॉप करके उनकी जगह पे कुणाल पांड्या को ले सकते हो, या फिर और तो अच्छे ऑप्शन है नहीं दोस्तों। फिर बात करें बॉलिंग में, तो यहाँ मैंने शशिकांत को लिखा है, लुकमल को लिखा है, गिरिनाथ रेड्डी और अथित सेठ, ये मेरे चार बॉलर हैं। आप यहाँ ले सकते हो वीसी अवॉर्ड को जिन्होंने लास्ट मैच में तीन विकेट निकाले, तो काफ़ी अच्छे बॉलर है ये भी। उसके बाद आप ले सकते हो यहाँ पे सी स्टीफन को जिन्होंने लास्ट मैच में दो विकेट लिए हैं। तो दोस्तों ये बात हो गई टीम की। अब बात करें यहाँ पे कैप्टन और वाइस कैप्टन की, तो हमने कैप्टन बना रखा है अश्विन को और वाइस कैप्टन केदार देवधर को। आपके पास काफ़ी अच्छे ऑप्शन नवीन को बना सकते हो जिन्होंने अभी तक चार विकेट लिए हैं। फिर दीपक हुड्डा को बना सकते हो आप, और सॉरी दोस्तों मैंने यहाँ पे स्वर्णपल्ली सिंह को नहीं लिया, लेकिन आप जरूर लें क्योंकि काफ़ी अच्छी फॉर्म में स्वर्णपल्ली सिंह और लगभग हर मैच में विकेट मिल निकाल रहे हैं और बॉलिंग भी अच्छी करा रहे हैं। तो आप चाहते हैं यहाँ पे विक्की भुई की जगह पे स्वर्णपल्ली सिंह को ले सकते हो, या फिर क्रांति कुमार की जगह पे आपका ज़्यादा अच्छे ऑप्शन रहेंगे यहाँ पे क्रांति कुमार। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट मैच में, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।